गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड चैप्टर फोर मल्टीप्लीकेशन. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द फैक्ट्स. जैसे बनाना है, बनाना कितनी बनी है, 1, 2, 3. इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. तो 3 + 3 + 3 + 3 यानी 4 बार आया है. 1, 2, 3, 4 यानी 4 टाइम्स आया है. 3 × 4 तो क्या आ गया, 12. उसी तरीके से वॉच कितनी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5. ये भी 5 है, ये भी 5 है. तो 5, 5, 5 3 टाइम हो गया. तो 1, 2, 3 तो 5 × 3 = 15. फिर डाइस कितनी बार है, ये वाली 1, 2, 3, 4 है, 4 डाइस है. ये भी 4 डाइस है. कितनी टाइम आई है, 1 और 2 टाइम. तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8. नेक्स्ट बुक्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुक्स है. ये भी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी 6 है. तो 6, 6, 6 कितनी टाइम आई है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. तो 6 × 3, 6 × 3 = 18. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स. जैसे अभी देखो 4, 4, 4, 4, 4 तो 4 × कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम. तो 5, 4, 5 = 20. 7, 1, 2, 3 तो 7 × 3 तो 7, 3 = 21. अब 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं तो आपको क्या रिपीट 8 हो रहा है. तो 8 × 6 तो 8, 6 = 48. नेक्स्ट 9 × 3 यानी कितनी बार आया है, 9 3 टाइम. तो 9, 9, 9 और बीच में प्लस का साइन, 9 + 9 + 9 तो 9 × 3 = 27. 10 × 4 यानी 10 कितनी बार लिखना है, 4 टाइम, क्योंकि 4 टाइम है. तो 10 + 10 + 10 + 10 तो यानी आंसर क्या आ गया, 40. नेक्स्ट स्किप काउंट ऑन द नंबर स्ट्रिप्स. स्किप काउंट ऑन द नंबर स्ट्रिप तो देखो 6 × 2 तो 2 × 6 क्या होता है, 12. अब देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे आप, कितने का जंप करना है, 6 × 2 यानी 2 बार जंप करना है 6 को. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 यानी 6 स्किप करना है. पहले 0 से 6 बनाए, फिर 6 से सीधा 6 जंप करना है. तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 × 6, 6 × 12. उसी तरीके से 4 × 4 यानी 4, 4 = 16. अब कितना स्किप करना है, 4, 4 को. 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16. इसी तरीके से नेक्स्ट 3 × 6 यानी 3 को जंप करना है. 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18. ओके नेक्स्ट 5 × 3 अब 5, 5 को 5 × 5, 5 × 12, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15. फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे आपकी टेबल्स लिखी हुई है. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में जैसे व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई विद 0 द रिजल्ट इज ऑलवेज 0. अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0. जैसे 7 × 0 तो आंसर क्या आया गया, 0. अब इसी तरीके से जैसे आप कोई नंबर भी सोच सकते हो, जैसे मैंने लिखा 10 × 0 तो 10 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 0. यानी 1 से लेकर कोई भी नंबर ले लो, अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा उसका, 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1. व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 1 द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ. अगर हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर होगा वो ही आंसर होगा. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 5 × 1 तो आंसर क्या आ गया, 1. अगर इसी तरीके से आप कुछ भी नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया है 25 × 1 तो 25 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 25. तो याद रखना जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0. अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर होगा आपके पास सामने तो उस जो नंबर एज आ जाएगा. नेक्स्ट ऑर्डर प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज द सेम वॉट एवर बी द ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाइड. जैसे 7 × 3 तो 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21. अगर इसको उल्टा कर दे 3 × 7 तो भी आंसर क्या आ गया, 21. यानी ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई, मतलब ऑर्डर चेंज करना, नंबर चेंज करना. 7 को 3 से किया तो 21, अगर उल्टा कर दे 3 × 7 = तो भी क्या आएगा, 21. उसी तरीके से जैसे 2 × 6 × 5 = 60 तो 2 को अगर 2 की टेबल 6 टाइम 2 × 6 = 12
12 फाइव जा 60, तो आंसर क्या गया 60। अब ऑर्डर क्या चेंज किया है, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये आ गया। जैसे देखो 6 की जगह पे क्या लिख दिया 5 और 5 की जगह पे हमने क्या लिख दिया 6। अब 5 टू जा 10 और 10 सिक्स जा 60, आंसर दोनों को क्या आया सेम आया है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन विथ 10 100 और 1000। वैन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 10 100 और सो ऑन, मतलब जो भी नंबर हो, जैसे 1000 लिखा है, 10000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ फॉलोड बाय द सेम नंबर ऑफ जीरोस एज इन द मल्टीपल। जैसे देखो एग्जांपल, 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 10, तो 4 को 10 से किया तो क्या आ गया 40। यानी एक अपन ट्रिक ये भी देख सकते हैं कि अगर पीछे जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लिख सकते हैं। जैसे 4 को, अब जैसे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो पहले एक जीरो लिख दिया, 4 वन जा 4। अब नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 100, अब पहले देखो कितने जीरो है पीछे, 2 जीरो है, तो पहले अपन ने 2 जीरो लिख दिया, फिर 4 वन जा 4। फिर नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 1000, तो पहले कितने जीरो है 3, तो 3 जीरो लिख दिए, 4 वन जा 4। नहीं तो 4 को अगर 1000 से करेंगे तो 4000 ही हो रहा है वैसे भी। टू मल्टीप्लाई ए नंबर विथ अदर नंबर डेट एंड इन जीरो सी द फॉलो एग्जाम्पल। अब 7 मल्टीप्लाई 20, अब इसमें 20 है, 20 को इसका अपन ने क्या बना लिया, पहले 7 का 7 लिख लिया, अब 20 है, 2 मल्टीप्लाई 10, अब इसका अपन अदर नंबर बनाते हैं, जैसे इसके पीछे अपन को एक जीरो लाना है इसलिए, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 20, तो 2 मल्टीप्लाई 10 कर दिया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले 7 टू जा 40, अब पीछे क्या था 10 लिख दिया, अब पहले कितने जीरो है 10, पहले 10 लिख दिया, 14 वन जा 14। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई 200, तो 7 मल्टीप्लाई, अब 200 का क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 100, तो अब क्या हो गया 7 टू जा 14 इंटू 100, पीछे कितने जीरो है 20 लिख दिए और 14 वन जा 14। फिर नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई 3000, तो 9 का 9 इंटू 3000 का 3 मल्टीप्लाई 1000, तो पीछे कितने जीरो है पहले 30, तो पहले 30 लिख दिए और 9 3 जा 27। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले कितने जीरो है वो लिख दिए और 27 वन जा 27। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। टेबल आपको सबको आती है मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल सी 8 5 जा 40, 9 6 जा 54, 7 7 जा 49, 3 9 जा 27, 5 10 जा 50, 6 8 जा 48। इसी तरीके से ये एट होम है तो मैं वो भी करवा देती हूँ आपको, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36। नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन टेबल। अब देखो 57 मल्टीप्लाई 0, अपन 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। 19 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा इटसेल्फ बोला था, तो ये इटसेल्फ मतलब क्या नंबर है आपके पास 19 है, तो 19 को 1 से किया तो 19 वन जा 19। 5 मल्टीप्लाई 9, अब ऑर्डर चेंज करना है तो अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 9 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5, तो 9 मल्टीप्लाई 5 यानी इसको चेंज कर दो, उल्टा कर दो, 9 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आ गया 45। 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, अब देखो यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो अब आपके ये 3 टू जा 6 करके लिखा हुआ है, अब ये बच्चा क्या 9 बच्चा है, तो अपने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये रहा 2, ये 2 यहाँ आ गया, अब क्या नहीं आया अपने पास 9 3 जा, तो 9 3 जा क्या होता है 27। अब देखो 9 6 जा 54, 27 2 जा 54। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो पहले क्या आ गया 3, अब 4 5 जा क्या होता है 20 लिख दिया। अब देखो 5 3 जा क्या होता है 15, यहाँ दिया हुआ है आपके, अब क्या नहीं दिया हुआ 4 नहीं दिया, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 4। अब 20 मल्टीप्लाई 3, 20 3 जा क्या होता है 16 और 15 4 जा भी क्या होता है 16। ओके, एट होम 325 मल्टीप्लाई 1, इसको 1 से अगर नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 325 मल्टीप्लाई डैश 325, अब 325 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि आंसर 325 आ जाए, तो 1 की करेंगे अपन। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ 10 दिया हुआ है, ये डैश दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, यहाँ 70 दिया हुआ है। अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आना चाहिए अपने पास, 7 को 5 से किया 35, 35 को 2 से किया 70, अब अपने पास 70 दिया, 10 दिया हुआ है, तो 5 टू जा 10 दे दिया, अपने पास क्या नहीं दिया 7 नहीं दिया, तो पहले यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 7, और 7 टू जा 7 7 10 जा क्या होता है 17, आगे एक आंसर। तो अब यहाँ पे अपने को 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, ये 2 दे दिया अपन को, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35,
तो ये 7 10 70 और 35 टू जा भी 70, आंसर आ गया 70। फिर नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग में देखो 3 10 जा 30, 17 मल्टीप्लाई 10, तो पीछे कितने जीरो देखो 10 है, तो पहले 10 उतारा, 17 1 जा 17। फिर नेक्स्ट 68 मल्टीप्लाई 100, पीछे कितने जीरो है, दो जीरो उतार दिए, 68 1 जा 68। फिर 19 मल्टीप्लाई 1000, कितने जीरो है पीछे, तीन जीरो लिख दिए, 9 1 जा 9। 93 मल्टीप्लाई 10, पीछे कितने जीरो है, एक जीरो, फिर 93 1 जा 93। फिर 7 मल्टीप्लाई 200, पीछे के लिए कितने जीरो है, दो जीरो लिख दिए, 7 7 2 जा 14। फिर नेक्स्ट 71 मल्टीप्लाई 100, पीछे कितने जीरो है, दो जीरो, और 71 1 जा 71। फिर नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 30, पहले एक जीरो है तो एक जीरो उतार दिया, 5 3 जा 15। फिर नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई 500, पीछे कितने जीरो, टू जीरो, और 12 5 जा 16। फिर नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल्स टू, तो कितने जीरो है, थ्री जीरो है, तो थ्री जीरो उतार दिए, 8 1 जा 8। नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई 40, कितने जीरो है पहले, 10, और 15 4 जा 16। फिर नेक्स्ट 11 मल्टीप्लाई 300, तो 300 का क्या आ गया, पीछे दो जीरो, और 11 3 जा 33। जो भी मैंने अभी आपको वर्क करवाया, जैसे वार्म अप और एक्सरसाइज 4.1, ये आपको पूरा का पूरा नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।